गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, आज भी हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्पॉट द एरर के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड ये है हमारा वीडियो नंबर 14। इससे पहले हम 13 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देयर इजंट मेनी राइस लेफ्ट इन द हाउस, सो वी मस्ट रिप्लेनिश आवर स्टॉक सून। राइस यानी कि अनकाउंटेबल नाउन, जिसके लिए मेनी का यूज़ नहीं किया जाएगा, इसके पहले मच आना चाहिए था। देयर इजंट मच राइस, सो ऑप्शन सी में एरर है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अनलेस यू डू नॉट रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस। अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है जिसके बाद और एक नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं किया जा सकता, सो यहाँ पर होता अनलेस यू रन फास्ट, सो ऑप्शन ए मेरर है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शी हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन। अपोस्ट्रॉफी एस का मीनिंग होता है पोजीशन दिखाना, यानी कि अधिकार दिखाना, बट यहाँ पर क्लब के फॉर्मेशन की बात की जा रही है, इट्स फॉर्मेशन होना चाहिए था, तो यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी हट जाएगा, सिंपली ITS होता एंड ऑप्शन सी मैरर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट एक्टिविस्ट डेमोलिशन ऑफ अनऑथोराइज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेज आर बिकेम अ लेसन फॉर लैंड एनक्रोचर्स। यहाँ पर आर बिकेम के जगह हैव बिकम आना चाहिए था, लेसन बन गया है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो हैव बिकम यहाँ पर सूटेबल होता, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ही मैरिड विद अ रिच हीरेस लास्ट ईयर। मैरिड के बाद विद प्रपोजिशन नहीं लगाया जाता है, यहाँ पर सिंपली होता ही मैरिड अ रिच हीरेस लास्ट ईयर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दे इन्फॉर्म्ड द टीचर दैट ऑल ऑफ द फैमिली मेंबर्स वुड बी गोइंग टू विशाखापट्टनम। यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन देयर आना चाहिए था, सो यहाँ पर सिंपली होता All their family members. Option B matter है, option B is the correct answer. Next, my friend has started a restaurant in a wooden big building in Manali. यहाँ पर दो adjectives हैं, adjective of size and adjective of material. तो size का use पहले होगा, material का बाद में होगा, यहाँ पर होता बिग वुडन बिल्डिंग एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई डिडंट सी एनीबॉडी इन द ऑडिटोरियम। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो एरर। इट वॉज अ वाइंडी ऑटम डे एंड लीव्स वर फॉलन रैपिडली फ्रॉम द ट्रीज। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, पत्ते रैपिडली गिर रहे थे, सो यहाँ पर होता लीव्स वर फॉलिंग एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस, इन सबको ऑलवेज सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए किलोमीटर्स के बाद इज आना चाहिए, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंटिल आई डू नॉट गेट द लोन आई कैन नॉट सेट अप माई बिजनेस।
जैसे कि हम लोग पहले पढ़े अनलेस, वैसे ही अनटिल भी एक नेगेटिव वर्ड है और इसके बाद नॉट का यूज़ गलत होगा। अनटिल आई गेट द लोन होना चाहिए था एंड ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। यहाँ पर माउस का प्लूरल फॉर्म माइस आना चाहिए था, MICE होता है प्लूरल फॉर्म में, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई लर्न टू अडाप्ट क्विकली टू न्यू स्कूल्स बिकॉज वी मूव्ड टू न्यू प्लेसेस क्वाइट फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट एक एडजेक्टिव है जिसका यहाँ पर यूज़ गलत होगा। यहाँ पर मूव्ड एक वर्ब है जिसको क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब की ज़रूरत है, सो यहाँ पर होता क्वाइट फ्रीक्वेंटली एंड ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रेजेंट व्हाट आई बाय फॉर यू यस्टरडे वॉज वेरी एक्सपेंसिव। यस्टरडे यानी कि पास्ट सेंटेंस, और पास्ट सेंटेंस में बाय का सेकेंड फॉर्म बॉट होता है। वॉट आई बॉट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विनी बॉट टू न्यू ड्रेसेस बट आइदर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल। आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, जबकि नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। और इस सेंटेंस में लिखा हुआ है विनी दो ड्रेस खरीदी, और इस सेंटेंस के ठीक बाद बट का यूज़ हुआ है जो कि एक नेगेटिव सेंस देता है, तो नेगेटिव के लिए हम नाइदर का यूज़ करेंगे। नाइदर इज़ सुटेबल यानी कि दोनों में से कोई सुटेबल नहीं था, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस NGO आर ऑफ लिटिल बेनिफिट टू द डिसएडवांटेजेस। मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ होता है बट वर्ब सिंगुलर यूज़ होता है, इसीलिए आर की जगह इज़ होता, इज़ ऑफ लिटिल बेनिफिट, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई डिडंट सी एनीबडी इन द ऑडिटोरियम। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एंड इसका आंसर होगा नो एरर। नेक्स्ट, lack of formal education did not prevent Lincoln to become a great leader. prevent के साथ fixed preposition होता है from, prevent from, so यहाँ पर two गलत है। prevent Lincoln from becoming, क्योंकि from के बाद ing form आता है हमेशा, so option C is the correct answer. next, the length of a male swallow's tail reveal his attractiveness for a female swallow. male swallow's tail यानी कि singular subject, इसके बाद reveals आना चाहिए था reveal की जगह, so option B is the correct answer. next, I was not able to solve the question as I was not knowing the answers. कुछ स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जैसे कि सी, हियर, लव, हेट, और यहाँ पर है नो, जिन सब का कभी ing फॉर्म यूज़ नहीं होता है, सो यहाँ पर नोइंग गलत है, आई डिडंट नो द आंसर होना चाहिए था, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बिन फाइनलाइज्ड। वेन्यू फॉर द वेडिंग सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके लिए हैज़ आएगा हैव के जगह, एंड ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड टू बिकम स्ट्रिक्टर इफ़ यू विश टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके लिए नीड्स आएगा सिंगुलर वर्ब,
So option B is the correct answer. Next, he went to walk but returned back immediately. रिटर्न प्लस बैक दोनों का यूज़ साथ में नहीं किया जाता है, ये सुपरफ्लूस हो जाएगा क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही है, इसीलिए सिंपली होता रिटर्न इमीडिएटली एंड ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, हाउ मेनी मनी डिड सुधीर विन इन द लॉटरी. मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए मच आएगा मेनी के जगह पर. सो ऑप्शन सी में एरर है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द बॉडी. ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो एरर. नेक्स्ट, देयर इज फ्यू टू बी सेड ऑन बोथ साइड्स. फ्यू का यूज़ काउंटेबल नाउन्स के पहले होता है, बट यहाँ पर कोई काउंटेबल नाउन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर होता देयर इज़ लिटिल टू बी सेड एंड ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, प्लेजर कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम गिविंग पेन टू इनोसेंट पीपल. ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होना चाहिए था, सो यहाँ पर करेक्ट होता प्लेजर कैन नॉट बी डराइव्ड एंड ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, माई फादर डिसऑर्डर्ड मी टू ट्राई फॉर अ जॉब एज ही वॉन्टेड मी टू परस्यू हायर स्टडीज. डिसऑर्ड के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन होता है फ्रॉम, सो यहाँ पर होता फ्रॉम ट्राइंग फॉर अ जॉब एंड ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, दिस स्ट्रे कैटल्स आर रोमिंग अराउंड द टाउन. कैटल का प्लूरल फॉर्म कैटल ही होता है, कैटल्स नहीं, सो इसके बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, लॉज एंड रूल्स आर मेड टू सेफ गार्डिंग आवर राइट्स एंड प्रोटेक्टर्स. टू के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लगाया जाता है, यहाँ पर सेफ गार्डिंग की जगह सेफ गार्ड आना चाहिए था, मेड टू सेफ गार्ड आवर राइट्स, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो. इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, सो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, बाय बाय, थैंक यू.